हाय फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द मिसिंग लाइफ में एक नए ब्लॉग पर। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मतलब अभी अभी हम लोग जा रहे हैं बिरसा मुंडा पार्क, जो कि ऐसे ही खुला है लॉकडाउन के बाद, पूरे एक साल के बाद जो है इसको खोला गया ऐसे। तो आप लोगों को मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो में क्या अभी आना वहाँ सही रहेगा या टिकट चार्ज ये सब क्या है वहाँ का और अंदर का नज़ारा क्या है। आप लोग वीडियो में देखकर मतलब समझ जाएंगे क्या अभी आना सही रहेगा कि नहीं, अभी वहाँ कैसा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सारे नज़ारे को आप लोग देखते रहिए, हम लास्ट तक पूरा दिखाने का कोशिश करेंगे। तो जाते जाते दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी टच कीजिए, जिससे आने वाले ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं और सीधे मिलते हैं बिरसा मुंडा पार्क पर। अभी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिरसा मुंडा पार्क, तो अंदर चलते हैं। पहले टिकट काउंटर पे जाते हैं, टिकट कटवाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद अंदर घुसेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे क्या अभी आना यहाँ अच्छा रहेगा या नहीं, क्योंकि पूरा साल भर के बाद जो है यहाँ खोला गया इसको। तो अंदर का अभी किस तरह का नज़ारा है मालूम नहीं, मेंटेनेंस है कि नहीं वो सारा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चलते हैं अंदर। सामने चलते हैं, वहाँ कुछ गाइडलाइंस लिखा हुआ है, पार्क में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य है। मास्क लेकर आए हम लोग, दो आदमी में एक आदमी लाए थे, एक आदमी नहीं, तो यहाँ खरीदना पड़ा, मिल जाएगा बगल में एक दुकान है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। यहाँ से तो देखने में लग रहा है कि अंदर का मेंटेनेंस काफी अच्छा ही है, वैसे पीक सीजन खत्म हो गया है तो मालूम नहीं। फिर चलते हैं आगे बढ़ते हुए, पेड़ काफी बड़े हो गए हैं तो यहाँ का नज़ारा तो काफी अच्छा ही लग रहा है। इधर सामने से देखिए तो मतलब साफ सफाया किया गया है। दोस्तों तो अभी अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, पूरा नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह का मतलब है अंदर में अभी, मतलब इसका मेंटेनेंस किस तरह का, क्योंकि पूरा एक साल के बाद खुला आप लोग सभी जान रहे हैं। और आप लोगों के लिए जो है ना वो वीडियो बनाने आया हूँ मैं आज यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसे मतलब यहाँ से तो देखने को लगा कि काफ़ी अच्छा ही है और मास्क अनिवार्य है, इस चीज़ को मतलब आप लोग याद रखिएगा, जब यहाँ आ रहे हो तो मास्क जरूर लेके आइए, वरना यहाँ खरीदना पड़ सकता है, 25-30 रुपया ले रहा है 10-20 का मास्क का, मतलब बढ़ा के लिया जा रहा है, कुछ किया नहीं जा सकता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पूरा मैंने पार्क को दिखाकर वीडियो का अंत करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। और एक बार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए, जिससे आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट कीजिए कि कौन सा भाग आप लोगों को अच्छा लगा। We'll be right back.
कैफे देख रहे हो वो भी अभी खुला हुआ है, मतलब यहाँ सामान मिल रहा है, आप आइसक्रीम ठंडा कोको कोला जो बोलिए सब मिल रहा है, तो यहाँ आप उस सब का आनंद ले सकते हैं। बाकी देखें अभी जहाँ तक फूल मतलब फ्लावर्स तो है ही नहीं, गर्मी भी आने लगा है। बाकी आप लोग आ सकते हैं टाइम पास करने के लिए, तो थोड़ा अच्छा ही जगह है। बाकी फिर और देखते हैं आगे कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो और आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे और लास्ट में सारा कुछ बताएंगे आप लोगों को कि आना कैसा रहेगा यहाँ पर। तो अभी वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मतलब पूरा जो है बिरसा मुंडा पार्क अभी किस तरह दिख रहा है। आप लोग अगर यहाँ आते हैं अभी तो आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे भी अभी जो है पीक सीजन वो ख़त्म हो चुका है इस साल का, इसलिए जो है फ्लावर्स वो आप लोगों को उतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी खूबसूरती के साथ मतलब उसको कटिंग शटिंग करके सजाया गया है, रास्तों को भी ठीक ठाक से सफाई किया गया है। और इस गर्मी में मतलब आप लोग आकर पेड़ पौधों के नीचे आकर स्वस्थ हवा या फिर प्राकृतिक के सौंदर्य जो बोलते हैं उसको आप लोग अनुभव कर सकते हैं, तो उतना भी ख़राब नहीं है। अभी आ सकते हैं आप लोग देखने के लिए, बाकी सारा कुछ आप लोगों ने वीडियो में देखा ही, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कौन सा भाग आप लोगों को अच्छा लगा, साथ में अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए जिससे आने वाले ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे कुछ खूबसूरत ब्लॉग्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, बाय बाय।